distant future. आज हम सुनने जाने वाले हैं 2001 में रिलीज हुई फिल्म द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आराम से बैठिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है 22वीं शताब्दी से। ये वो वक्त है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी का स्तर बढ़ चुका है। समुद्र के आसपास के जितने भी शहर हैं वो लगभग पानी में डूब चुके हैं। धीरे धीरे लोगों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ये वो भी वक्त होता है जहाँ लोगों ने इंटेलिजेंट रोबोट भी बनाए हैं। यहाँ पर प्रोफेसर एलन को दिखाया जाता है जो सबको रोबोट दिखाते हैं, जो हूबहू इंसान की तरह होता है, जो इंसान के हर एक बात का जवाब दे सकता है, उसी के साथ कोई भी काम करने के लिए सक्षम है। लेकिन ये रोबोट में ये नहीं है जो इंसान को इंसान बनाते हैं, और वो होते हैं इमोशंस। उसके बाद प्रोफेसर एलन बताते हैं जल्द ही वो एक नया रोबोट बनाने वाले हैं जिसके अंदर सारे इमोशंस होंगे। वो एक बच्चे के रूप में होगा और जो भी उसे खरीदेगा तो वो रोबोट उसे बहुत प्यार करेगा। उसके बाद प्रोफेसर एलन को सवाल पूछा जाता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि इंसान भी उसे वैसा ही प्यार करे। तब प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ईश्वर ने जब एडम को बनाया था, जो पृथ्वी का पहला आदमी था, तो उसी से भी प्यार नहीं किया था क्या? उसी कंपनी में एक काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है हेनरी। हेनरी की बीवी का नाम मोनिका है। इनका एक बेटा होता है जो है मार्टिन। उसको स्लीपर चेंबर के अंदर रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत बीमार है। स्लीपिंग चेंबर के अंदर व्यक्ति की हार्ट रेट कम हो जाती है। ये एक तरह का कोमा का स्टेज होता है जिस स्टेज से वापस आना नामुमकिन है। जहाँ प्रोफेसर एलन पहले चाइल्ड रोबोट बना चुके हैं जिसके अंदर प्यार और इमोशंस हैं, वो इसके बारे में अपने एम्प्लॉई हेनरी को बता देते हैं और उसे वो दे देते हैं। हेनरी उसे अपने घर ले जाता है। ये हूबहूब एक इंसान के बच्चे की तरह होता है जिसका नाम होता है डेविड। हेनरी की वाइफ मोनिका किसी रोबोट बच्चे को अपने बेटे की जगह नहीं देना, इसलिए वो उसे घर में रखने के लिए मना करती है। हेनरी उसे बताता है हमें लाइफ को दूसरा मौका देना चाहिए। मोनिका उसकी बात मान लेती है। हेनरी उसे बोलता है तुम्हें एक पासवर्ड बोलना होगा। उसे बोलने के बाद ये रोबोट तुम्हारा हो जाएगा और इन फ्यूचर तुम्हें रोबोट नहीं चाहिए तो इस पासवर्ड को तुम्हें कंपनी को वापस करना होगा। वो उसे डिसमेंटल कर देंगे क्योंकि एक बार ये रोबोट किसी के घर रहता है उसकी यादों में वो घर की यादें बस जाती है जिसको निकालना नामुमकिन है और उसे और दूसरे फैमिली को भी नहीं दिया जा सकता। मोनिका डेविड को रखने के लिए मान लेती है पर वो उस पासवर्ड को नहीं बोलती जिसको बोलने के बाद डेविड हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। शुरू शुरू में वो डेविड को पसंद नहीं करती पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसका डेविड प्रति लगाव बढ़ जाता है। वो उसमें अपने बच्चे को देखती है और एक दिन वो उस पासवर्ड को बोलती है जिसे बोलने के बाद डेविड हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। जैसे ही वो पासवर्ड बोलती है डेविड उसे मॉम कहता है। उसके अंदर सारे इमोशन आ जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक रोबोट है। और अब डेविड की वजह से मोनिका के घर में खुशियाँ वापस आ जाती है। डेविड भी उसे बहुत प्यार करता है। एक दिन वो मोनिका को पूछता है मॉम क्या तुम मर जाओगी? तो वो बोलती है हाँ मैं 50 साल और जीऊंगी। डेविड उसके गोद में सिर रखता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ आप हमेशा जिंदा रहे। मोनिका ये सुन के इमोशनल हो जाती है और उसे अपने बेटे मार्टिन का टॉय देती है। ये एक टेडी बियर है। ये एक सुपर टॉय है जो बात भी कर सकता है। उसका नाम टेडी होता है। टेडी और डेविड की दोस्ती हो जाती है। एक दिन मोनिका को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि उसका बेटा मार्टिन अब पूरी तरह रिकवर हो गया है। मोनिका उसे घर ले आती है। मार्टिन घर आके डेविड से जेलस हो जाता है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो उसे एहसास दिलाता है कि वो एक इंसान नहीं रोबोट है जिसके बारे में डेविड को कुछ भी पता नहीं होता। एक रात मार्टिन डेविड से कहता है कि तुम चाहते हो कि मॉम तुमसे और प्यार करे तो तुम्हें उनके बाल काट के अपने पास रखने होंगे। डेविड उसकी बात मान जाता है। वो मोनिका से बहुत प्यार कर रहा होता है और जब वो सो रही होती है डेविड उसके थोड़े से बाल काट लेता है। तभी मोनिका और हेनरी की नींद खुल जाती है। तब हेनरी उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो बोलता है मैं चाहता हूँ मॉम मुझे और प्यार करे। डेविड के हाथ से बाल गिरकर टेडी बियर के सामने गिर जाते हैं। अगले दिन वो एक पूल पार्टी में जाते हैं जहाँ पे मार्टिन के बहुत सारे दोस्त होते हैं। उनके पास एक चाकू होता है जो वो डेविड को चुबाते हैं। उनको देखना होता है कि डेविड जो एक रोबोट है उसको दर्द होता है या नहीं। पर डेविड की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि वो अपने आप को बचाने के लिए मार्टिन को पकड़ लेता है।
वो कहता है मुझे बचाओ, और तभी गलती से दोनों पूल के अंदर गिर जाते हैं। डेविड ने अपनी जान बचाने के लिए मार्टिन को पकड़ा हुआ होता है, इसलिए वो ऊपर नहीं आ पाता। धीरे धीरे उसकी सांसें बंद होने लगती है, तभी मार्टिन को ऊपर निकाला जाता है और उसकी जान बच जाती है। और अब हेनरी ये डिसाइड करता है कि वो वापस डेविड को कंपनी को लौटा देंगे। पर जब मोनिका डेविड को वापस लौटाने ले जा रही होती है, वो अपना माइंड चेंज कर देती है, क्योंकि उसको पता होता है कि कंपनी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए वो उसे रास्ते में जंगल में उतारती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ अब अकेले रहना होगा। ये सुनकर डेविड रोने लगता है और कहता है, मॉम मुझे यहाँ पे अकेला मत छोड़ो। तब मोनिका कहती है, तुम्हें यहाँ पे अकेला ही रहना होगा, और वहाँ से जाने लगती है। तभी मार्टिन बोलता है, मैं पिनोकियो की तरह असली बन गया, तो क्या आप मुझे अपने साथ लेके जाओगी? दरअसल मोनिका ने डेविड को एक स्टोरी सुनाई होती है जिसका नाम होता है एडवेंचरस ऑफ पिनोकियो, जिसमें एक नीलीपरी होती है जो पिनोकियो नामक पपेट को असली इंसान बनाती है। डेविड को लगता है जब उसने उस नीलीपरी को ढूंढ लिया तो वो उसे भी असली इंसान बना देंगी। मोनिका उसे बोलती है, वो एक सिर्फ स्टोरी थी, तुम्हें इंसानों से दूर रहना होगा, तुम्हें अपने जैसे रोबोट को ढूंढना होगा, क्योंकि तुम उनके साथ सेफ हो। इंसानों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। मोनिका वहां से चली जाती है। अब डेविड के साथ उसका सिर्फ टेडी बियर है। जब वो आगे जाता है, उसको वहां पे उसके जैसे बहुत सारे रोबोट दिखते हैं जो डेविड के तरह बेघर होते हैं। तभी उनको पकड़ने के लिए एक ग्रुप आता है और वो उन सभी रोबोट को पकड़ते हैं वो ग्रुप का मानना होता है कि ऐसे रोबोट इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इन सबको एक जगह पे ले जाया जाता है जहाँ बहुत से लोग होते हैं, जहाँ सबके सामने इन रोबोटों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। डेविड की मुलाकात यहाँ पे एक रोबोट से होती है जिसका नाम जो होता है। ये एक जिगोला है। इसके ऊपर इल्जाम है कि इसने एक का खून किया है और अब इन दोनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार किया जाता है। जब लोग डेविड को देखते हैं तो उनको यकीन होता है कि वो कोई रोबोट नहीं, एक इंसानी बच्चा है। इसलिए वो उस ग्रुप का विरोध करते हैं और बीच में आके डेविड और जो को छुड़ा देते हैं। डेविड और जो जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पे डेविड जो को बोलता है कि मैं अपने मॉम के पास वापस जाना चाहता हूँ, पर मैं तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक मैं असली इंसान नहीं बन जाता, और मुझे असली इंसान नीली परी ही बना सकती है। क्या तुम जानते हो नीली परी कहाँ होगी? उसके बाद जो उसे शहर ले जाता है और उसे डॉक्टर नो से मिलाता है। ये एक होलोग्राफिक इमेज होती है जो किसी गूगल की तरह हमें आंसर दे सकती है। तब डेविड उसे पूछता है कि मैं कैसे इंसान बन सकता हूँ। तब स्क्रीन पे लिखा आता है कि प्रोफेसर एलन जानते हैं कि एक मशीन को कैसे इंसान बनाया जा सकता है। प्रोफेसर एलन वही होते हैं जिन्होंने डेविड को बनाया हुआ होता है। डेविड जो उसे पूछता है, हमें प्रोफेसर एलन कहाँ मिलेंगे? जो उसे बोलता है, रॉकफेलर सेंटर। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का स्तर बढ़ गया है। मैनहट्टन पानी में आधा डूब चुका है। जो पुलिस का हेलीकॉप्टर चुरा लेता है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है। जो डेविड को अलविदा कह के वहाँ से निकल जाता है और डेविड उसके बाद बिल्डिंग के अंदर नीली परी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब डेविड को उसके जैसा हूबहू एक लड़का दिखाई देता है। डेविड को उसे देख के गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। ये भी डेविड की तरह एक रोबोट होता है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर एलन आ जाते हैं, जो डेविड के क्रिएटर है। डेविड उनसे पूछता है कि मुझे नीली परी से मिलना है, मुझे असली इंसान बनना है। तभी प्रोफेसर उसे बोलते हैं, तुम एक असली इंसान हो, तुम एक ऐसे रोबोट हो जिसके अंदर इंसानों जैसे सब इमोशंस हैं। तुम्हारी नीली परी को मिलने की इच्छा थी जिसे मिलने के लिए तुम यहाँ आए। आज तक किसी रोबोट ने ऐसा नहीं किया। और जहाँ तक नीली परी की बात है, उसका असली लाइफ से कोई भी वास्ता नहीं है। ये सिर्फ इंसानों की एक काल्पनिकता है। और उसे बोलते हैं कि मेरी पूरी टीम तुम्हें मिलने के लिए उत्सुक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो। और उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जो शक्ल दी है वो हूबहू अपनी की है। और ये कहकर वो बाकी टीम को बुलाने के लिए चले जाते हैं। डेविड देखता है कि उसी की तरह यहाँ बहुत सारे रोबोट्स बन चुके हैं, साथ ही साथ फीमेल्स रोबोट भी बन चुके हैं जिन्हें अभी डिलीवर्ड किया जाएगा। मतलब अभी पूरी दुनिया में डेविड जैसे कई रोबोट हो गए। ये देख के डेविड को बुरा लगता है, क्योंकि जो उसका अस्तित्व था, जो अब पूरी तरह टूट चुका है।
क्योंकि उसे अब तक यही लगता था कि उसके जैसा कोई नहीं है, वो इंसानों की तरह बन चुका है। लेकिन अब उसका ये भ्रम टूट चुका है, उसे यकीन हो जाता है कि वो इंसान कभी नहीं बन सकता और उसकी मॉम उसे नहीं अपनाएगी। इसलिए अपने आप को खत्म करने के लिए वो बिल्डिंग के कॉर्नर से पानी में कूद जाता है। पर वो पानी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब चुका है। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जब वो उसके पास जाता है तभी एक फंदा आता है और उसे ऊपर खींचता है। वो जो होता है, दरअसल जो ने हेलीकॉप्टर से उसे पानी में कूदते वक्त देख लिया था, इसलिए वो उसे बचाने के लिए आता है। डेविड उसे बताता है उसने पानी में नीली परी को देखा है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। जो उसे बताता है जब तुम इंसान बन जाओगे तो मुझे हमेशा याद रखना। तभी ऊपर से एक ड्रोन आता है। ये ड्रोन उन अधिकारियों का होता है जो उन रोबोट को पकड़ते हैं जिनका कोई नहीं होता। वो मैग्नेटिक पावर से जो को ऊपर खींचना शुरू करते हैं। जो जब ऊपर जाने लगता है तो वो पानी में ठहर रहे हेलीकॉप्टर को सबमरीन मोड में सेट कर देता है। दरअसल ये एक एडवांस हेलीकॉप्टर है जो हवा पानी में चल सकता है। जो को ऊपर खींच लिया जाता है और डेविड टेडी के साथ बैठकर सबमरीन से उस नीली परी के सामने पहुंच जाता है। दरअसल ये एक स्टैचू होता है जो कोनी आइलैंड में है। जब ये जगह पानी के ऊपर थी तब ये इंसानों की सबसे फेवरेट एंटरटेनमेंट की जगह थी। डेविड अपने सबमरीन के अंदर बैठ के उसे देखता रहता है। तभी एक बड़ी राइड जिससे पूरे शहर को देखा जा सकता था वो इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर आकर गिर जाती है। इनका हेलीकॉप्टर फंस जाता है पर डेविड अब भी नीली परी को देख सकता है। डेविड को यकीन होता है कि ये नीली परी असली है। वो उसे बार बार कहता है, आई वॉन्ट टू बी रियल, आई वॉन्ट टू बी ह्यूमन, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ जिससे बन के मैं अपने मॉम के पास वापस जा सकूँ। और वो ये तब तक कहता है जब तक उसकी पावर पूरी तरह से कम नहीं हो जाती। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 2000 साल बीत चुके हुए होते हैं। धरती से अब इंसान विलुप्त हो चुके हैं। धरती पे अब एडवांस रोबोट है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ डेविड पिछले 2000 सालों से है। वो डेविड के सर पे हाथ लगाते हैं जिससे डेविड को पावर मिलती है और वो जग जाता है। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद वो नीली परी के पास जाता है। जैसे ही वो उसे छूता है वो पूरी तरह बिखर जाती है। यहाँ पे जो रोबोट होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। इन्होंने कभी भी इंसानों को नहीं देखा, इसलिए वो डेविड को देख के उत्सुक होते हैं क्योंकि वो इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं। और जब ये डेविड के मेमोरी को रीड करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि डेविड अपने मॉम से बहुत प्यार करता है, वो उनसे मिलना चाहता है। साथ ही उसके याद में नीली परी भी होती है, इसलिए एक रोबोट उसके सामने नीली परी बनकर आता है और उसको पूरी सच्चाई बताता है कि 2000 साल बीत चुके हैं, इंसान धरती से अब नष्ट हो चुके हैं, तुम्हारी मॉम भी अब मर चुकी है, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, पर हम तुम्हारे वक्त से दूसरे लोगों को वापस ला सकते हैं जिनका DNA और बॉडी सैंपल हमारे पास हो। तभी यहाँ टेडी आता है जिसके पास आज भी वो बाल है जो हजारों साल पहले डेविड ने अपने मॉम के काटे थे, मतलब मोनिका का DNA अब इनके पास है। रोबोट मोनिका को बना देते हैं पर यहाँ पर मोनिका सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा रह सकती है, नहीं उसे दोबारा बनाया जा सकता है। डेविड अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। मोनिका भी डेविड को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों बहुत अच्छा दिन बिताते हैं। रात में जब मोनिका सोने जाती है तो वो डेविड से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। उसके बाद मोनिका सो जाती है, डेविड भी उसके पास सो जाता है। डेविड जानता है कि उसकी मॉम अब कभी भी नहीं उठेंगी पर उसके चेहरे पर एक खुशी होती है। डेविड भी इसके बाद सो जाता है। तब वो अपनी जिंदगी की ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां इंसानों के दिमाग में सपने पनपते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। टर्न ऑन नोटिफिकेशन एंड लीव लाइक टू हेल्प द चैनल आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।